लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हुसैन। मॉर्निंग राज। कैसा है तू? फाइन। ठीक है? हाँ। मेरी फाइल का ये रही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग जेनी। गुड मॉर्निंग सर। आई वांट टू सी यू इन द कॉन्फ्रेंस राइट नाउ। यस सर। हमारे इस नए हैंडसेट RX49 के डिजाइन और फीचर्स दोनों ही अच्छे हैं, और अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी प्रोग्रेस क्या है और ये मार्केट में कब तक आ सकता है। अब तक हमारे सारे टेस्ट पॉजिटिव रहे, सिर्फ ये हैंडसेट का जो टेस्ट है ये ट्रायल बेसिस पर है। इसके फीचर्स, फ्रीक्वेंसी, वॉइस क्वालिटी और बैटरी लाइफ ऑब्जर्विंग पॉइंट पर है। हमने कुछ करीबन 50 हैंडसेट बनाए हैं जो अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जैसे ही उनका रिजल्ट आ जाएगा हम बता सकते हैं कि ये कब तक आएगा मार्केट में। आगे जो भी प्रोग्रेस होता है प्लीज इन्फॉर्म अस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। मुझे पहले से ही मालूम था कि ये नौकरानी जरूर कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन उसकी जगह जो आई उसे तूने कुछ नहीं बताया? मतलब तुझे सेक्रेटरी नहीं नौकरानी चाहिए? मेरा दिमाग खराब है जो उसको बताऊं ताकि वो नौकरी छोड़ के चली जाए। मैं नहीं चाहता मुझे छोड़ के जाए यार। सेक्रेटरी बन के रहे या नौकरानी बन के रहे, मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे पास रहे, मुझसे कभी दूर न जाए। समझ गया मैं, सारा केस समझ गया तेरा। लेकिन तू जरा सोच, जब उसे पता चलेगा कि तू बैरिस्टर नहीं है, वकालत और अदालत से तेरे खानदान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या होगा मेरे भाई? वही सोच रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तू कोई आइडिया बता ना। तू एक काम कर, कुछ दिनों तक उसे रोके रखने के लिए तू वकील की एक्टिंग कर, फिर जैसे ही मौका मिले प्यार से उसे अपने दिल की बात कह देना। ये लो, जो भी बुक चाहिए ले लो। वैसे अगर कोई केस हो या एडवाइस लेनी हो तो तुम उससे ले सकते हो, तुम्हारे लिए 100% डिस्काउंट। नहीं चोटरानी साहब, मैं तो यूं ही रेफरेंस के लिए ले रहा था, अपनी जनरल नॉलेज। लाओ जी पकाड़े शकाड़े खाओ। राज, ये कंचन है। राज हमारे पड़ोसी। हाउ डिड यू डू? फाइन, थैंक यू। थैंक यू। मैंने कहा जी आप ये पीना शीना जल्दी खत्म करो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। okay. भाई साहब आप भी मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर जाना। थैंक यू। बोलो तारा रारा। चोटरानी साहब, ये कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी है, आज ही काम पे रखा है। सेक्रेटरी से पकोड़े तलवा रहे हो? नहीं नहीं राज, ये यही काम करती है, पकौड़े तलना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। आज दोपहर में मैंने एक प्रोफेशनल लेटर दिया टाइप करने को, तो कहने लगी अजीब सा मजाक करते हो। वैसे 1,500 रुपए में काम करेगी, इश्तार मैंने 3,000 रुपए का दिया था। समझ गया मैं। क्या? यही कि चोटरानी साहब 1,500 में आपको बाई भी मिल गई और सेक्रेटरी भी मिल गई, इसे छोड़ना नहीं बस। डन डन, पकड़ के रखना, मैं चलता हूं। ओके ओके ओके, ये किताबें जरा जल्दी वापस लौटा देना, मुझे कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, लेकिन इसे छोड़ना नहीं बस। ओके। Come in. Good morning, sir. Good morning. Sir, I'm exactly on time. मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, चाय मैंने पी ली है। तुम बैठो। The clause 5-6 to remain the section G relation to the income deed of किसी केस का रेफरेंस ढूंढ रहे हैं? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। मैं हेल्प करूं सर? नहीं नहीं नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में इन्वॉल्व हो। मैं सॉल्व कर लूंगा। हाँ, तुम्हें एक सीधा और आसान केस देता हूँ, तुम उस पर वर्क करो, ठीक है? वैसे काफी इंपॉर्टेंट केस है मेरे लिए। बताइए सर। हाँ लिखिए, मेरा एक दोस्त है राज मल्होत्रा। राज एक इंजीनियर है, अब अकेला था तो ना वो खुद का ध्यान रख पाता था ना मकान का। उसने सोचा एक नौकरानी रख लूं। अच्छा। यानी कि हाउसमेट। अब एक लड़की आई और राज ने उसे रख लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की सेक्रेटरी के जॉब के लिए कहीं और जा रही थी और गलती से राज के घर चली गई और राज ने उसे नौकरी पे रख लिया। सर, आपके दोस्त को ऐसे नहीं करना चाहिए था। सही पता बताकर उसे भेज देना चाहिए था। एक पढ़ी लिखी लड़की को उन्होंने घर की नौकरानी बना दिया? नो 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 प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगी, उसे लगा कि अगर वो
इस घर में आ जाए तो ये घर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इस घर में? राजमल्होत्रा के घर में। मतलब लव एट फर्स्ट साइट। एग्जैक्टली, लव एट फर्स्ट साइट। अब ये बात थी राजमल्होत्रा की, अब ये सोचो कि जब लड़की को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी? क्या वो नाराज होकर लड़के पर केस करेगी, या फिर आपस में दोनों कोर्ट के बाहर सुलह करेंगे? सोचो। ठीक है सर, मैं इन दोनों पहलुओं पर वर्क करती हूँ। वेरी गुड, मैं ऑफिस चलता हूँ। ऑफिस? मेरा मतलब है कोर्ट चलता हूँ, क्योंकि वहां मेरी हियरिंग है। मेरा कोई फोन वोना है तो आप अटेंड कर लेना। ओके सर। ओके, और ये कुछ लॉ की किताबें हैं, इसे रेफर कर लेना। जी। और इस केस के बारे में दिमाग से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी सोचना। ऑफ कोर्स सर। ठीक है, टेक केयर। ओके। राज? यस। राज कहाँ है? कौन राज? राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा? तुम राज मल्होत्रा को नहीं जानती? जानती हूँ, वो मिस्टर चौटानी के दोस्त हैं। करेक्ट। वो कहाँ है? पता नहीं, अपने घर पे होंगे। होल्ड इट। तो फिर ये किसका घर है, यहाँ कौन रहता है? यहाँ बैरिस्टर मिस्टर राम चौटानी रहते हैं। राम चौटानी? तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मैं यहां रहता हूं? मैं 13 नंबर के बंगले में खाता हूं, सोता हूं, उसके फोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, म्यूनिसिपल टैक्स भरता हूं, और मैं यहां रहता हूं। आप मिस्टर राम चौटानी हैं? जी, और मैं यहां नहीं वहां रहता हूं, यहां पे राज मल्होत्रा रहता है। एनीवे, कल रात वो मेरे घर से लॉ की कुछ किताबें लेकर आया था, मैं उन्हें वापस लेने आया हूं, एक क्लाइंट आ गया है। ले लो। थैंक यू। ओ माय गॉड, ये देखो, रद्दी के पेपरों के साथ लॉ की किताबें रखता है, और तुम उसे बैरिस्टर राम चौटानी समझ रही हो? वाह, वंडरफुल, नाइस टू मीट यू। रिलैक्स। मेरा एक दोस्त है राज मल्होत्रा। राज एक इंजीनियर है, उसने सोचा एक नौकरानी रख लूं, यानी कि हाउसमेट। अब एक लड़की आई और राज ने उसे रख लिया। तुमको मालूम है ना क्या क्या करना है? ये जो केस है, इसके बारे में अपने दिमाग से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी सोचना। दरअसल वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगी, उसे लगा कि अगर वो इस घर में आ जाए तो ये घर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब लव एट फर्स्ट साइट। एग्जैक्टली, लव एट फर्स्ट साइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया। आज अपना घर लग ही नहीं रहा। सुबह से ना कोई क्लाइंट आया, ना कोई फोन कॉल्स। फ्री थी तो सोचा क्यों नहीं घर की सफाई कर लो। लगता ही नहीं ये बैचलर का घर है। सर, आपका कोर्ट में केस था, उसका क्या हुआ? कौन सा केस? हाँ, वो मेरे क्लाइंट को डिग्री मिल गई, और तुम तो जानती हो हारने का तो सवाल उठता नहीं। मेरी दलीलों ने सरकारी वकीलों की बोलती बंद कर दी। जज साहब खुश हो गए, कहने लगे भैया मेरी कुर्सी पे तू बैठ जा। मैंने कहा क्यों सर, जूनियर का मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा, वो मैंने तुम्हें अपने दोस्त के केस के बारे में बताया था, तुमने कुछ सोचा? अच्छा, वो केस। सर, उस केस में मैंने दिल और दिमाग दोनों से सोचा। बहुत प्रॉब्लम है, वो लड़की फ्रॉड का केस कर सकती है। सर,
आपके दोस्त राज मल्होत्रा के बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या कोई रास्ता नहीं? सर कोर्ट में तो नहीं, हाँ अगर कोर्ट के बाहर सुलह हो जाए तो अलग बात है। वो कैसे? देखिए लड़कियों को सच बोलने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप अपने दोस्त से कहें कि उस लड़की को सब कुछ साफ साफ बता दे तो उसे कुछ प्रॉब्लम? यही तो प्रॉब्लम है, बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। क्यों गूंगा है? गूंगा नहीं है, हिम्मत नहीं है उसमें। अच्छा अगर हिम्मत नहीं है उसमें तो एक काम कर सकते हैं, उसे कहिए कन्फेशन लेटर लिखकर दे दे, और ये काम आप अपने दोस्त के बिहाफ कर सकते हैं। ये सही आइडिया, वेरी गुड वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, कागज कलम लीजिए और लिखिए। बैठिए, जल्दी बैठिए ना। मिस प्रिया, प्रिया जी, उसका भी नाम प्रिया ही है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी नजरें तुम पे आकर ठहर गई और मैं फैसला नहीं कर सका कि तुम मेरे पास हाउसमेट के लिए आई हो या बैरिस्टर की सेक्रेटरी के लिए। बस मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। डरता था कहीं मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। शायद मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। सर योर्स राज मल्होत्रा नीचे लिख दो। हाँ हाँ राज मल्होत्रा लिख दो। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की जिस दिन खत पड़ेगी क्या वो रिजाइन करेगी या राज मल्होत्रा को अपना लेगी? अगर रिजाइन ही करना होता तो आज जब बैरिस्टर मिस्टर राम चौधरानी अपनी किताबें लेने आए तो मैं उनके साथ चली गई होती, यहां बैठकर राज मल्होत्रा का लव लेटर नहीं लिखती। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ मालूम है? हाँ। इसका मतलब मुझे अपना बनाने में तुम्हें कोई एतराज नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। गणपति गंगवामहे प्रियाणत्वा प्रियपति गंगवामहे निधेनत्वा निधपति गंगवामहे वसु